Sunny. रसगुल्ले में नकली छेना, लड्डू में मिलावटी बेसन, सोन पापड़ी में खराब मैदा, मावे की मिठाई में केमिकल, दिवाली की मिठाई में जहर का धंधा, मिठाई से डर लगता है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। इसमें मीठा ना हो, मीठे की कोई बात ना हो, यह भला कैसे हो सकता है? मुंह मीठा किए बगैर दिवाली का त्योहार भला कैसा? हमारे सामने बाजार से लाई गई ये कई मिठाइयां सजी हुई हैं। लड्डू हैं, रसगुल्ले हैं, मावे से बनी हुई बर्फी है और भी दूसरी कई मिठाइयां हैं। ये सारी की सारी मिठाइयां देखने में बिल्कुल असली हैं, लेकिन क्या ये मिठाई वाकई खाने के लायक है? आप सोच रहे होंगे कि यह हम कैसी बातें कर रहे हैं। जी हां, यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बाजार में बड़े पैमाने पर इन दिनों मिलावटी और घटिया मिठाइयां बिक रही हैं और इसके पीछे है मिलावटखोरों का जहरीला धंधा। और इस धंधे का सबसे बड़ा बाजार है दिल्ली NCR। जिन रसगुल्लों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, जिस सोन पापड़ी के पैकेट को तोहफे में बांटते हैं, जिस लड्डू और बर्फी से आप लोगों का मुंह मीठा कराते हैं, दिवाली की इस मिठाई में घोला जा रहा है जहर। शहर दर शहर मिलावटखोर मोटी कमाई के लिए कर रहे हैं मिठाई का जहरीला कारोबार। मेरठ, शामली, मुरादाबाद, कानपुर से लेकर गोरखपुर तक में फैले इन मिलावटखोरों की फैक्ट्री में बने मीठे जहर का सबसे बड़ा बाजार दिल्ली NCR है। मेरे हाथ में ये बर्फी है। ये बर्फी मावे यानी खोए से बनी हुई है, लेकिन ये मावा नकली भी हो सकता है। जी हां, और ये जो लड्डू आप देख रहे हैं, इस लड्डू में मिलावटी बेसन और जहरीला रंग मिला हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि मिलावटखोर इससे मोटी कमाई करते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं ऐसे ही मिलावटखोरों की फैक्ट्री में, जहां दिवाली के लिए बन रही हैं जहरीली मिठाइयां। चारों तरफ त्योहारों की धूम है और त्योहार और मिठाई एक दूसरे के पर्याय हैं। शायद ही कोई ऐसा त्योहार होता हो जो बिना मिठाई के पूरा माना जाता हो, लेकिन आज ABP न्यूज पर जो हम आपको दिखाएंगे उसके बाद में किसी भी त्योहार पर किसी भी मिठाई का एक भी कतरा अपनी जुबान पर रखने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उस मावे की असलियत, जिससे बर्फी, गुलाब जामुन, गुजिया, पेड़े जैसी कई मिठाइयां बनती हैं। लेकिन नकली मावे या खोए का धंधा किस तरह दिवाली जैसे त्योहार को जहरीला बना रहा है, ये देखकर आप भी सकते में आ जाएंगे। नकली मावा यानी के सिंथेटिक मावा तैयार करने के लिए मुख्य रूप से दो इंग्रेडिएंट्स यानी के दो सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला होता है SMP यानी के स्किम्ड मिल्क पाउडर, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर को थोड़ा सा लेकर पानी में इस तरीके से उबाला जाता है। अगर 4 से 5 किलो मावा तैयार करना है तो उसके लिए तकरीबन 1 लीटर पानी में थोड़ा सा मुट्ठी भर जो स्किम्ड मिल्क पाउडर है वो डाला जाता है, उसको इस तरीके से उबाला जाता है। उसके बाद में स्किम्ड मिल्क पाउडर को एक बर्तन में और उसके अंदर रिफाइंड जो है वो मिलाया जाता है, रिफाइंड या फिर डालडा। और उसको मिलाने के बाद में जब उसमें चिकनाहट आ जाती है तो उसके बाद में फिर ये जो दूध जो है इस तरीके से जो पककर तैयार हुआ है, फिर इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर को इस तरीके से मिलाया जाता है और इसको
तकरीबन आधे घंटे तक इसकी घुटाई करते हैं, जिसके बाद में नकली मावा जो कि हूबहू देखने में बिल्कुल असली मावे जैसा होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। मावा या खोया दूध से बनता है, लेकिन मिलावटखोर बगैर दूध के भी मावा तैयार कर देते हैं। आप खुद देखिए, इन मिलावटखोरों ने सिर्फ आधे घंटे में 5 किलो मावा तैयार कर लिया। ये तैयार तो नहीं हो, इसमें मावा रखा है तो थोड़ा सा यूज करा हो, थोड़ा सा असली, ये पस्त भर गया, गेट गया। मतलब जैसे आपने इसमें पहले जो पाउडर था, पाउडर में जो ये इसी परात भर ली, इसकी बना का ये काटा काटा था, चून पोतक रहा, एक परात में धर लिया भर का पूरा। अब असली मावा रहेगा, 2 किलो 3 किलो दूध चढ़ाऊंगा उसमें, वो कर इसमें मिलाते रहेंगे वो उठाई। और बाजा बाजा तो चिन्नी गेर का नून बना दिए, चिन्नी भी बढ़ दी इसमें। मतलब अगर बिल्कुल ही नकली बनाना है तो उसमें असली थोड़ा सा भी नहीं मिलाते और उसकी जगह चीनी डाल देते। हाँ, चीनी डाल देते। चीनी किस लिए डाली जाती है? थोड़ी मिठास मिठास डालने के लिए। तो इस तरीके से महज कुछ मिनटों में, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर कई किलो जो नकली मावा है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब इस मावे की जो घुटाई है वो होगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, जिससे इसके अंदर जो ये गांठें हैं वो ना रहें, और जब ये गांठ नहीं रहेंगी और उसके बाद में ये जो है बिल्कुल सूख जाएगा, तो सूखने के बाद में इसकी जो शक्लो सूरत होगी वो बिल्कुल हूबहू इस तरीके से होगी जैसे ये आप देख सकते हैं कि देखने में ये मावा जब ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा तो इस तरीके से, जैसे इस परात में तकरीबन 20 से 25 किलो के आसपास मावा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। नकली मावा बनाने वाले सिर्फ 600 रुपए के सामान में 5 किलो मावा बना लेते हैं, जबकि बाजार में यही मावा करीब 400 रुपए प्रति किलो बिकता है। प्रशासन की तमाम चौकसी के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में तैयार मावे की दिल्ली और आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से बिक्री होती है। ये नकली मावे में SMP से बनाते हैं तो वो तो प्रोहिबिटेड नहीं है, और इसमें ये लोग रिफाइंड और डालडा यूज़ करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, तो इसके यूज़ को करने के लिए ही हम मना करते हैं। और जहाँ पर भी हम इस तरह का मावा बनते पाया जाता है तो उसको हम हाथ के हाथ वहीं पर नष्ट करवा देते हैं। मिलावटी मावे का धंधा मेरठ से लेकर गोरखपुर तक फैला हुआ है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहाँ प्रशासन ने छापा मारकर 50-50 किलो की 22 टोकरी नकली मावा बरामद किया। ये छापेमारी सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में हुई, जहाँ से करीब 13 क्विंटल नकली मावा दूसरे शहरों में भेजा जा रहा था। गोरखपुर में ही करीब 2 क्विंटल रसगुल्ले भी बरामद किए गए, जो बेहद खराब हालत में थे। मिलावटखोरों के लिए दिवाली काली कमाई का बड़ा मौका होता है, और खास तौर पर उनकी नजर दिल्ली NCR के बाजारों पर होती है, जहां मिठाइयों की खपत सबसे ज्यादा है। चमकीले डिब्बों में बिकने वाले लड्डू, बर्फी, सोन पापड़ी और रसगुल्ले भी मिलावटी हो सकते हैं। रस में डूबे इन सफेद रसगुल्लों को देखिए, कनस्तरों में भरे इन रसगुल्लों को देखिए, इन रसगुल्लों के रंग देखकर किसी की भी आंखें धोखा खा सकती हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये रसगुल्ले मिलावट के जहर से भरे हैं, नकली हैं, और ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये तस्वीर शामली की है, जहां बीते दिनों खाद्य विभाग ने अचानक एक कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारकर 7 क्विंटल नकली रसगुल्ले बरामद किए। करीब 1,500 कनस्तरों में भरे इन रसगुल्लों को बाजार में भेजने की तैयारी थी। लेकिन ऐन मौके पर नकली रसगुल्लों की पूरी खेप पकड़ी गई। ये रसगुल्ले सिंथेटिक छेने से तैयार किए गए थे, यानी छेने को दूध के बदले मैदा, रिफाइन और दूसरे केमिकल से बनाया गया था। जंग खा रहे कनस्तरों में रखे रसगुल्लों से बदबू आ रही थी। छानबीन में ये बात सामने आई कि इन रसगुल्लों को दूसरे इलाकों में भेजकर इन्हें चमचमाते डिब्बों में पैक कर बेचा जाता,
मंत्रालय ने दीपावली अभियान के मिलावटी खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थों को आम जनमानस को सुरक्षित उपलब्ध कराने के लिए विशेष ड्राइव चलाने का कहा था। यहाँ कोल्ड स्टोरेज में लगभग 60 क्विंटल रसगुल्ले हुए थे, जो कि कुछ टीमों में जम गए, जो आना है रसगुल्ले का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं, बाकी जम गए टीम वाले रसगुल्ले नष्ट कर। और ये देखिए, यहाँ बड़े बड़े टब में भरे रसगुल्लों को नाले में फेंका जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं। यहाँ खाद्य विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारा था। इस छापेमारी में करीब 600 किलो मिलावटी रसगुल्ले बरामद किए गए, जो बाजार में बिकने के लिए तैयार थे। यही नहीं, यहाँ भारी मात्रा में खास तरह का पाउडर भी मिला, जिनसे रसगुल्ले तैयार किए जाते थे। प्रशासन ने इन पाउडर से बने रसगुल्लों को नाले में फेंकवा दिया। खाद्य कारोबारियों के यहाँ औचक छापेमारी की, जिसमें 600 किलोग्राम रसगुल्ला जो पाया गया, उसमें उसके अंदेशा को देखते हुए उसको नष्ट कराया गया और उनके नमूने भी संग्रहित किए गए। और जो भी टीम हमारी लगी हुई है खाद्य सुरक्षा की, उनको यह विशेष निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली के त्यौहार तक ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी करें, और जहाँ पर भी इस तरह के आशंका उत्पन्न होती है कि मिलावट है, उनको तुरंत उन पर कार्रवाई करें और उन पर जो भी हमारे प्राविधान हैं उनके अंतर्गत उन पर परिवाद दाखिल करें और उनके नमूने संग्रह। दिवाली करीब आते ही मिलावटखोर जहरीली मिठाई का धंधा शुरू करते हैं। ये ऐसी मिठाइयां और मावे की फैक्ट्री दूर दराज के इलाकों में होती हैं, जहां से इन्हें खास तौर पर दिल्ली NCR और दूसरे बड़े शहरों में भेजा जाता है। प्रशासन इन मिलावटखोरों को पकड़ने की जगह छापेमारी करता है, लेकिन वो इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो इस धंधे से बाज नहीं आते। अधिकारी के साथ में है, वो अकेले दो नहीं हम। यही नहीं, कई जगह मिलावटखोरों को पकड़ने की मुहिम में जुटे अधिकारियों को दुकानदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। हंगामे की ये तस्वीर कानपुर की है, जहां खाद्य विभाग की टीम हालसी रोड के खोया बाजार में सैंपल की जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन इसके विरोध में सैकड़ों दुकानदार सड़कों पर उतर आए। यही नहीं, दुकानदारों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी प्रशासन के अधिकारियों को धमकी दे रहे थे। कानपुर में मिलावटखोरों की धरपकड़ की मुहिम विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि त्योहार के मौके पर आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों पर लगाम लगे तो कैसे? ये जो आप देख रहे हैं, ये रसगुल्ले, ये बर्फी, ये लड्डू, दिवाली की खुशियों में मिठास भरने के लिए ऐसी ही कई तरह की मिठाइयां घर लाई जाती हैं, लेकिन इन मिठाइयों में केमिकल से लेकर नकली दूध पाउडर और रंग मिला हो सकता है, जो सेहत के लिए न सिर्फ हानिकारक होता है बल्कि बेहद खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन इससे कैसे बचा जाए, अब हम आपको बताते हैं घर बैठे कैसे करें जहरीली मिठाइयों की पहचान। सबसे पहले देखिए मिठाइयों की मिलावट को पकड़ने के लिए आयोडीन टेस्ट। दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी विभाग ने आयोडीन टेस्ट का सुझाव दिया है।
एक कटोरी लीजिए, उसमें मिठाई का टुकड़ा डालिए, कटोरी में पानी डालिए, कुछ वक्त बाद कटोरी में आयोडीन की बूंद डालिए। अगर कटोरी में पानी का रंग ब्लू हो जाए तो समझ लीजिए आप मिलावटी मिठाई घर लेकर आए हैं। हमारे पास में दो अलग अलग सैंपल्स हैं, इनको डाल रहे हैं गर्म पानी में। उसके बाद में इस सैंपल को पानी में घोल देना है। आयोडीन हम इसमें डाल रहे हैं, आयोडीन दो रंग में उपलब्ध है। अगर मिठाई सही होगी तो इसका रंग नहीं बदलेगा, यानी कि इस भूरे रंग का आयोडीन का रंग नहीं बदलेगा, और अगर मिठाई सही नहीं होगी तो वो रंग काला हो जाएगा। एक मिठाई में जहां पर उसका रंग बिल्कुल नहीं बदला, दूसरी मिठाई है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, क्योंकि यहां पर उसका रंग थोड़ा सा डार्क हो गया है जैसा पहले था। दिवाली में रंग वाली मिठाई से बचना मुश्किल है। रंग से डरेंगे तो पिस्ते से बनी ऐसी मिठाई कभी खा ही नहीं पाएंगे। पिस्ते की मिठाई में सबसे ज्यादा मिलावटी रंग के इस्तेमाल का खतरा होता है, लेकिन बचेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? लड्डू में जो है इसमें कलर की प्रॉब्लम होती है ज्यादा जी। ये उसका बूंदी का लड्डू है, इसमें ज्यादातर जो है केसरी रंग, टार्टराजिन कलर, वो कलर वो तो अलाउड है, क्वांटिटी है उसकी, उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा जो इसमें अनपरमिटेड कलर डाल देते हैं, गाय छाप रंग जिसको बोलते हैं, वो खाने के लिए वो नुकसान देने वाला है। मतलब वो डाला होगा तो उसमें जो कलर उसका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ब्राइट भी हो जाता है जी। मतलब अगर ये हल्का कलर है इसका मतलब सही, इसका है। मतलब ये मान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, फिर भी जो एक्चुअल जो है वो तो टेस्टिंग पे पता चलेगा। पिस्ते की मिठाई में अगर सिंथेटिक यानी केमिकल वाले रंग की मिलावट है तो जांच का तरीका बेहद आसान है। मिठाई के एक टुकड़े को गीले फिल्टर पेपर में लपेट कर दबा दीजिए। पिस्ते की मिठाई में अगर मिलावटी रंग है तो वो फिल्टर पेपर का रंग बदल देगा। बनी हुई मिठाई में उसमें क्या डाला गया है, किस मावे से बना है या दूध से बना है, ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन तीन तरीके जो आसान तरीके हैं किसी के लिए भी, जब आप मिठाई खरीदने जा रहे हो तो पहले ये देख लें कि उसका कलर बहुत ज़्यादा सुर्ख तो नहीं है, यानी कि जो नेचुरल कलर है उससे बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं है। दूसरी चीज़, आप सूंघ करके देख सकते हैं कि उसमें किसी तरह की स्मेल तो नहीं आ रही, किसी तरह की महक तो नहीं आ रही है। और तीसरी चीज़, उसको टेस्ट करके ज़रूर देख सकते हैं कि अगर टेस्ट सही है, अगर आपको खाने में सही लग रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ बेहतर होगी। हालांकि फिर भी अगर आपको शक है तो उसके अलग टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं। लेकिन ये कुछ तीन तरीके हैं जो एक आम उपभोक्ता, आप और हम अपना सकते हैं अगर आप किसी मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने जाने वाले हैं तो। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखा आपने मिलावटी मिठाई की पहचान वाकई कितनी आसान है। और इस दीपावली पर आप भी बाजार से जो भी मिठाई खरीद कर लाएं उसका टेस्ट जरूर कर लें। इसी सलाह के साथ आप सबको एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आपकी दिवाली शुभ हो, खुशियों से भरी हो, सुरक्षित हो। सनसनी में अभी बस इतना ही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।